हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई थाई बेल्ट सीरीज बी माइंड सुपरस्टार को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़के को गन लेकर आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम कुना कौन होता है और ये पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे खिड़की से एक लड़की को देखता है जो कि उसके प्रिंस के साथ बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के डांस कर रही होती है और डांस करते हुए ये लड़की मतलब कुना कौन को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही होती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और ये सब सोच के कुना कौन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी यहाँ पे लड़के जिसका नाम दारा है वो कहते हैं कि कुना कौन प्लीज़ ऐसा मत करो, इसमें प्रिंस की कोई भी गलती नहीं, वो कुछ भी नहीं जानते थे। अगर तुम्हें गुस्सा ही होना है तो तुम्हें मुझ पे गुस्सा होना चाहिए। तो प्रिंस कहता है तिदारा ये मेरे और उसके बीच का मैटर है, प्लीज़ तुम इससे दूर रहो। तभी यहाँ पे तिदारा प्रिंस को हक कर लेती है और कहती है कि नहीं मेरे मालिक, मैं इस बार आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो। जब कुनो कौन देखता है कि तिदारा ने प्रिंस को बहुत ज़्यादा हक कर रखा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोलने वाली बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की, तुम्हारे जैसी धोखेबाज औरत मेरे प्रिंस के साथ रहने के काबिल नहीं है। तभी यहाँ पे प्रिंस जिसका असली नाम आसी है वो कहता है कि कुनो कौन बंदूक नीचे करो ताकि हम लोग अच्छे से बात कर सकें। तो फिर कुनो कौन कहता है कि आप मुझसे प्यार से बात करना चाहते हैं, कितनी बार, हाँ क्या आपने कभी भी मुझसे प्यार से बात किया है माय लॉर्ड? आफ्टर ऑल आप मुझे एक बेकार से चीज समझते हैं जो कि हमेशा आपके प्यार के रास्ते में आ जाती है। आपको कभी भी ये पता नहीं चला कि मैंने क्या किया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। ये औरत उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है जितना कि आप इसे सोचते हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डांस करती हुई ये औरत एक डायनो के जैसे मतलब ऐसे मुस्कुरा रही होती है और कौन कौन को बहुत ज्यादा जला रही होती है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कौन कौन कहता है कि माय डियर प्रिंस ये आपके साथ रहना डिजर्व नहीं करती। तो यहाँ पे प्रिंस जिसका असली नाम आशी है वो कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये सब बस तुम्हारे दिमाग की उपज है। यहाँ पे कुनो कौन कहता है कि नहीं मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं समझा, मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं समझा, यहाँ तक कि इस फैक्ट को भी नहीं कि मैं। तभी यहाँ पे प्रिंस गन छीने लगता है और इन दोनों के बीच में छीना झपटी होती है और इसी बीच में गोली चल जाती है और ये गोली सीधे जाके कुनो कौन को लगती है। तो यहाँ पे कुनो कौन कहता है कि माय डियर प्रिंस मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ और ऐसा बोलकर मर जाता है। तभी यहाँ पे तिदा प्रिंस को हक कर लेती है और कहती है कि माय डियर प्रिंस क्या आप ठीक हैं? हाँ। तभी यहाँ पे डायरेक्टर चिल्ला के बोलता है कि कट, और हमें ये दिखाया जाता है कि ये सब जो कुछ भी था वो टेलीस्कोप का एक ड्रामा था। फिर हमें असली वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आशी अपना मेकअप करवा रहा होता है और वहाँ पे वॉन बैठी हुई होती है। वॉन वोरा से कहते हैं कि वोरा तुम्हारा जो मेन लीड एक्टर है क्या वो हैंडसम है? हाँ। तो यहाँ पे वोरा जो होती है वो वॉन को घूर के देखती है। तो फिर वॉन कहती है कि यू पिच, क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो? तभी वहाँ पे प्रियो टाइटल जिसका शॉर्ट नाम टेल है के साथ आती है। तो टाइटल और प्रियो को देखकर यहाँ पे जो वॉन होती है वो आशी के पास जाती है और उसके साथ मतलब प्रियो के पास आती है और यहाँ पे आशी जो है प्रियो को हाय हेलो बोलता है हाथ जोड़ के। तो यहाँ पे प्रियो जो होती है वो भाव में ऐसे हाथ दिखा के हाँ हाँ हाय हेलो मतलब ऐसे बोल देती है और यहाँ पे वो देखती है कि वॉन उसको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रही है। तो यहाँ पे प्रियो टेल से कहती है जिसका पूरा नाम टाइटल है, कहती है कि टेल वॉन को भी हाथ जोड़ के हाय हेलो बोल दो नहीं तो वो बुरा मान जाएगी और उनको लगेगा तुम बहुत ज़्यादा रूड बन रहे हो। तो यहाँ पे टेल भी हाथ जोड़कर वॉन को हाय हेलो बोलता है। यहाँ पे वॉन स्माइल करती है और कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अगर तुम मेरे सामने हाथ नहीं भी जोड़ते तभी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मैं दूसरे लोगों के जैसी नहीं हूँ जो कि हाई प्रोफाइल होने का ढोंग करते हैं और चाहते हैं कि हर एक इंसान उनकी सम्मान करे। तो यहाँ पे प्रियो टेल जिसका पूरा नाम टाइटल है उससे कहते हैं कि जाओ और जाके अपना मेकअप करवा लो नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगा। यहाँ पे वॉन टेंट मारते हुए कहते हैं कि क्या भाग गए ना, नेटवर्किंग एक्ट्रेस और एक्टर दोनों का मैनेजर होना ये तो ऐसे है जैसे कि एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना हमेशा की तरह। तो यहाँ पे प्रियो कहती है कि जब मौका खुद तुम्हारे दरवाजे तक चल कर आए तो तुम्हें उसे ले लेना चाहिए, समझ गए, दूसरे बेवकूफ लोगों के जैसे नहीं जो कि हमेशा की तरह पुराने ही एक्टर को पुश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वॉन कहती है कि पुराना एक्टर नए चेहरे से कहीं गुना ज्यादा बेटर होता है, नए चेहरे नई आंखें नई नोज नए लिप्स इन सब चीजों से सीरीज जो होती है वो कंटिन्यू नहीं होती है और ये सारी चीजें प्रोड्यूसर को अलग तरीके का सरदर्द देते हैं वो अलग की बात। मैं प्रे करती हूँ कि उस एक्ट्रेस को 5 से 6 बूब्स मिल जाएं ताकि उसकी मैनेजर उसको एक सर्कस में ले जाके दिखा सके और एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। आई एम सॉरी गर्ल्स अगर आपकी भावनाओं को हर्ट हुआ हो, लेकिन ये डायलॉग है, ये इस सीरीज में ही कहा गया है। तो यहाँ पे प्रियो चिल्ला के कहते हैं कि वॉन यू बिच तुम अपना मुंह बंद रखो और इस तरह से यहाँ पे ये दोनों औरतें पागलों के जैसे लड़ने लगती हैं। तभी यहाँ पे एक लड़के इनके बीच में आता है और कहता है कि पी वॉन पी प्रियो प्लीज शांत हो जाइए, अब झगड़ा बंद कर दीजिए, मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ जैसे कि हम लोगों ने आपकी कोई बातें सुनी ना हो और आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हो। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है कि अगर आप लोगों का मेकअप और बाल वाल सब कुछ हो गया हो तो बाहर चलिए, हम लोगों को फोटो शूट के लिए लेट हो रहा है। फिर प्रियो कहते हैं कि चलो वोरा हम लोग बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गंदी मक्खियां हैं। फिर वोरा कहते हैं कि नो थैंक्स, बात बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे सेकंड मेन लीड कैरेक्टर पुन को दिखाया जाता है जो कि आशी की पिक्चर वाली पिल्लू को हॉक करके सोया हुआ होता है। तभी सडनली पुन का भाई पाई चुपके से उस कमरे में झांकता है और वो सामने एक फोटो फ्रेम देखता है जहाँ पे आशी की फोटो लगी हुई होती है और वो साइलेंट वाला मतलब ऐसा सिंबल दे रहा होता है। फिर पाई चुपके से पुन से बचते बचाते उस फोटो फ्रेम के सामने आके खड़ा होता है और बहुत ज्यादा घूर घूर के इस फोटो को देख रहा होता है। और फिर यहाँ पे जो पाई होता है वो एक परमानेंट मार्कर उठाता है और आशी की जो फोटो फ्रेम वाली फोटो होती है उसको बर्बाद करने लगता है, उस पर डिजाइन बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में शूटिंग स्पॉट का दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से आशी जो होता है वो शूटिंग करने
करने लगता है। और फ्रेंड्स मैं शूटिंग सीन को थोड़ा सा स्किप करता हूँ क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने का कोई खास मोटिव नहीं है। और फिर मैं पुन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन की दादी माँ जो होती है वो इस सीरीज को टीवी पे देख रही होती है और बहुत ज्यादा माय डियर राशि यू आर सो क्यूट माय डियर राशि मतलब ऐसे बोल रही होती है। फिर मैं पाई को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे चुपके से पुन से उसके आशिक को अलग करने की मतलब कोशिश कर रहा होता है। कोशिश क्या करता है वो मतलब पिलो को छीन लेता है और फिर उसी पिलो से पुन के प्राइवेट पार्ट पे हमला करके चिल्लाता है पुन उठ जाओ। प्राइवेट पार्ट पे चोट लगती है, पुन चिल्लाने लगता है, कहता है कि पाई क्या तुम पागल हो गए हो, हाँ तुम्हें क्या तुम्हारी समस्या क्या है, आज मेरी छुट्टी है और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो फिर पाई कहता है अगर आपकी छुट्टी है तभी आपसे किसने ये कहा कि आप इतना ज्यादा सो सकते हैं। तो पुन कहता है कि पाई तुम तभी यहाँ पे पाई होता है उस पिलो से फिर से एक बार पुन को मारता है और पुन से कहता है कि पुन क्या हुआ, क्या तुम्हारा छोटा पुन दो टुकड़ों में टूट गया। तो यहाँ पे पुन कहता है कि पाई मुझे मेरा आशी लौटा दो। तो यहाँ पे पाई कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे पुन कहता है कि पाई ये मुझे दे दो। तो यहाँ पे पाई कहता है कि ये आपको चाहिए, हाँ ऐसा बोलकर वो जो तकिया होता है वो पुन के मुंह पे मार देता है फेंके और कहता है कि ये लो। तो पुन गुस्से में चिल्लाता कहता है कि पाई क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी कुछ भी सिखाया है। तो यहाँ पे पाई कहता है कि उन्होंने सिखाया है लेकिन मैंने कुछ नहीं सीखा और हाँ मेरे पेरेंट्स ना आपके भी पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे पुन गुस्से में दूसरे पिलो से पाई को फेंक कर मारता है और तभी पुन की नजर पड़ती है उसके प्यारे आशी की फोटो पे। आशी की फोटो देखकर तो उसका खून खौलने लगता है कि पाई ने उसकी फोटो को इतना ज्यादा खराब कर दिया। तो यहाँ पे पुन पाई को मारने के लिए उसके पीछे पागलों के जैसे दौड़ने लगता है। यहाँ पर पाई भाग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि दादी माँ मुझे बचाओ, दादी माँ मुझे बचाओ। यहाँ पे पुन चिल्ला रहा होता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, रुक जाओ पाई। तो यहाँ पे पाई जाकर ग्रैंडमा के पीछे छिप जाता है और ग्रैंडमा पुन से कहती है कि पुन क्या तुम्हारे सर पे चोट उठाई है, मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे पुन अपनी ग्रैंडमा की बात नहीं सुनता और पाई को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे ग्रैंडमा चिल्ला के कहती है कि सब क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो यहाँ पे पुन कहता है कि पाई ने मेरे प्यारे आशिक की पिक्चर को खराब कर दिया है और इसीलिए अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे ग्रैंडमा कहते हैं कि हे रुक जाओ तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, ये सब बहुत हो गया बंद करो। तभी यहाँ पे पुन और पाई की मॉम आती हैं और इन दोनों को चिल्ला के बोलती है कि हे अपनी दादी माँ का ख्याल रखना, मॉम मुझे माफ करना। तो यहाँ पे ग्रैंडमा अपनी बहू पे चिल्लाती हैं, कहते हैं कि हे तुमने अपने दोनों बच्चों को कैसे बड़ा किया, हाँ ये लोग इतने बड़े हो गए और कुत्तों के जैसे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पुन की मॉम कहते हैं कि मॉम माफ कर दीजिए ना ये दोनों ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, तुम इनकी मॉम हो तुमको इन दोनों को सिखाना चाहिए और या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करूं। तो यहाँ पे पुन की मॉम कहते हैं कि अरे नहीं मॉम आप चिंता मत कीजिए मैं आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहती। तो यहाँ पे पुन की मॉम इन दोनों को डांटती है और इन दोनों से कहती है कि हे चलो चलो दादी माँ से माफी मांगो। तो यहाँ पे ये दोनों ही अपनी ग्रैंड माँ को सॉरी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकी ग्रैंड माँ इन दोनों को यहीं पे छोड़कर यहाँ से चली जाती है। दादी के जाते ही जो पाई होता है वो फिर से पुन को मारता है। तो उसकी मॉम कहते हैं कि हे अभी तुम्हारी ग्रैंड माँ यहाँ से गई भी नहीं और तुम लोग फिर से शुरू हो गए, मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि ग्रैंड माँ यहाँ पे कुछ समय के लिए रहने लगी है तो तुम लोग बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहो, समझ गए। गाइस मुझे पता है कि मैं सीरीज को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा लेट हूँ। एक्चुअली मैं जितना बेसब्री से इस सीरीज का इंतजार कर रहा था उतनी ज्यादा बेसब्री से एग्जाम भी मेरा इंतजार कर रहा था। आज मैं अपने केमिस्ट्री के एग्जाम देकर आया हूँ, आप भरोसा नहीं करेंगे दो दिन में मैंने 7 यूनिट्स खत्म करी हैं और 7 यूनिट्स को पढ़ के मैं पेपर देकर आया हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना खतरनाक पेपर दिया होगा। और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ इस सीरीज को मैं जरूर से जरूर कंप्लीट करूंगा, इसको मैं ड्रॉप नहीं करने वाला।